नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से देसी ट्रैवल लवर चैनल में। दोस्तों, आज का वीडियो कश्मीर सीरीज का आखिरी वीडियो है, इसलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा। दोस्तों, ये नज़ारा जो देख रहे हो ये तनमार्ग की है। पिछले वीडियोस में बता चुका हूँ, तनमार्ग गुलमार्ग से सिर्फ 12 किलोमीटर दूरी पे बसा हुआ है। तारीख 9 फरवरी 2020 को जब हम गुलमार्ग से श्रीनगर जा रहे थे तो हम तनमार्ग में रुक गए थे, क्योंकि मुझे पता था इस जगह में एक बहुत बड़ा आइसबर्ग बना हुआ है, तो हम इस बार भी देखना चाहता था। दोस्तों, ये लोकेशन सबको पता नहीं है, मुझे भी पता नहीं था। एक दिन अचानक मेरे नज़र में आ गया और मैंने एक्सप्लोर कर लिया। तब से ये मैं एक परमानेंट स्पॉट बना लिया हूँ। जब भी जाता हूँ मैं इधर एक बार ज़रूर जाता हूँ। अगर आप श्रीनगर से गुलमर्ग जा रहे हो तो तनमार्ग में जो पहला टर्निंग आता है गुलमर्ग की ओर, तो उधर एक दुकान है, उसके ठीक पीछे ये लोकेशन बसा हुआ है। मुझे आइस बहुत पसंद है और इसको पाके मैं बहुत खुश हो गया था। हॉलीवुड मूवीज़ में भी आप लोग देखे होंगे, फ्रोजन 1, फ्रोजन 2 और बहुत सारे मूवीज़, अच्छा लगता है। इसी तरह से नज़ारा और देखने को मिलेगा वाटरफॉल चादर ट्रैक में मिलता है लद्दाख में, विंटर में बहुत ही बढ़िया ट्रैक है वो। आप लोग देख सकते हो मैं तोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये बहुत ही हार्ड है, तोड़ा नहीं जा सकता। आइस रिलेटेड जो भी हॉलीवुड मूवीज़ मैंने देखा था सब मूवीज़ मुझे याद आ रहे थे। और ये तस्वीर देख लीजिए, ये पहली बार जब गया था तब मैंने खींचा था। ये लोकेशन पहली बार मुझे पता चला 2018 में। यह तस्वीर अटैच किया, देख लीजिए, उसको देखने से ऐसा लग रहा था जैसे नार्निया मूवी में है। ये देखिए, थोड़ा सा था पहले और अब कितना बड़ा हो गया ये, आप उसी से अंदाज़ा लगा सकते हो। तनमार्ग की दूरी श्रीनगर से 36 किलोमीटर से और गुलमर्ग से 12 किलोमीटर है। यहाँ में रहने के लिए अच्छा अच्छा होटल्स है, जैसे कि होटल फाइन व्यू, रेस्टोरेंट्स भी है और यहाँ रिफ्रेशिंग पॉइंट्स भी है। इधर आप लोग आके रह सकते हो और यहीं से गुलमर्ग भी जा सकते हो। दोस्तों, अगर आप पहली बार आए हो हमारे इस चैनल में तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे पहले का वीडियोस देख लीजिए, कश्मीर सीरीज़ का लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। दोस्तों, कश्मीर में सिर्फ गुलमर्ग, पहलगाम, सनमार्ग, श्रीनगर नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे जगह है जो अभी भी अनएक्सप्लोर्ड है, वो सब भी एक्सप्लोर करना चाहिए। मैं भी खुद एक्सप्लोर करने वाला हूँ। अगर आपको ट्रैवलिंग पसंद है तो आप लोग बिल्कुल सही जगह पे आए हो ट्रेसी ट्रैवल लवर ब्लॉग चैनल पे, क्योंकि मैं इंडिया के बहुत सारे जगह में घूम चुका हूँ और मेरा एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, मुंबई से लेकर कोलकाता तक, हर जगह इंडिया में घूम चुका हूँ, तो इसलिए आपको पूरा इंडिया की सबसे अच्छी जगह जो है एक ही ब्लॉग चैनल में मिलेगा, डेसी ट्रैवल लवर में। एंड गाइज, ही आर प्रेजेंटिंग यू वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल एंड सीनिक लेक्स ऑफ इंडिया, डल लेक, श्रीनगर, कश्मीर ऑफ इंडिया।
दोस्तों दलझील श्रीनगर की जान है, क्योंकि श्रीनगर की एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन है। दलझील बहुत ही मशहूर है, फेमस है हाउस बोट्स के लिए और शिकारा राइड्स के लिए। ये जो आप बोट देख रहे हो ये नॉर्मल बोट नहीं है, इसको शिकारा बोला जाता है। दोस्तों दलझील में बहुत सारे घाट्स होते हैं, घाट नंबर 1 से लेकर 30 या 40 तक है, याद नहीं रहा मेरे को। तो आप लोग कोई भी घाट में जाके आप लोग बुकिंग कर सकते हो ऑन द स्पॉट। उसका किराया 1 घंटा के लिए लगभग 1000 रुपये लेता है और आधा घंटा के लिए 500 रुपये लेते हैं। आप लोग बार्गेनिंग जरूर कर लेने का, हालांकि उधर में रेट चार्ट दिया हुआ है। दोस्तों इस शॉट के लिए मुझे बहुत सालों से इंतज़ार था और फाइनली ये फुलफिल हो गया। उसके बाद मेरा खुशी आप लोग देख सकते हो, मिलियन डॉलर्स स्माइल। दोस्तों दलझील में हाउस बोट बहुत ही फेमस है। हाउस बोट बहुत सस्ते एकोमोडेशन में है और बहुत ही अच्छा फैसिलिटीज मिलता है। हालांकि मैंने रहा नहीं अभी तक, नेक्स्ट टाइम जब जाऊंगा तो हम भी जरूर रुकेंगे उधर में। सोचो कि झीलों का शहर हो, लहरों पे अपना एक घर हो। दोस्तों ये गाना मिशन कश्मीर की है और मिशन कश्मीर यहाँ पे शूट हुआ था, इसलिए मैंने थोड़ा गुनगुनाया। दोस्तों कश्मीर की खूबसूरती अनलिमिटेड है, जियो प्लान की तरह। टुलिप गार्डन, नगिन लेक, परी महल, ये तीनों जगह मैं अभी तक घूमा नहीं हूँ, मुझे नेक्स्ट टाइम जाने का है। टुलिप गार्डन मेरा बहुत बड़ा अट्रैक्शन है, वेट कर रहा हूँ, सही टाइम नहीं मिल रहा है क्योंकि अप्रैल महीने में ही खुलता है 1-2 हफ्ते के लिए। फिलहाल आप देख रहे हो ये मुगल गार्डन, पिछले वीडियोज़ में मैं आपको दिखा चुका हूँ, इसका भी जब जाओ उसका भी अलग ही नज़ारा मिलता है। दोस्तों कश्मीर सीरीज़ का ये आखिरी वीडियो है, उम्मीद करता हूँ आप लोग शुरू से देखे होंगे तो ज़रूर एंजॉय किए होंगे। ये हमारा होटल था, होटल रॉयल बाटू, इसमें हमने स्टे किया, बहुत ही अच्छा होटल था। वैसे श्रीनगर में बहुत अच्छे होटल है, कमी नहीं है। उसके बाद दोस्तों अगला वीडियो बनाने वाला हूँ माता वैष्णो देवी के बारे में, कटरा में, जिसमें मैं 1040 रुपया में हेलीकॉप्टर राइड किया था। जय माता दी।